अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आज मैं आप सबके लिए पनीर के कोफ्ते की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही टेस्टी ये बनता है। ये रेसिपी खासकर उनके लिए है जिनको पनीर नहीं पसंद होता है, वो इस तरह से बनाएं उनको ये पक्का पसंद आएगा। तो आप एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा इसको। चलिए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले मसाला तैयार करेंगे। तो मसालों में मैंने लिया है अदरक, 10 लहसुन की कलियाँ, 2 प्याज, 2 टमाटर, 1 छोटा चम्मच काली मिर्च का, 1 चम्मच जीरा, थोड़ा सा जावित्री, 2 छोटी इलायची, 4 लौंग और 3 साबुत सूखा लाल मिर्च, तीखा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। इन सब का हमें पेस्ट बनाना है। और मैंने यहाँ पे लिया है आलू 5, इसको उबाल के छील के मैंने ठंडा कर लिया है। अब इसको हमें कद्दूकस कर लेना है। इसको हाथ से भी मैश कर सकते हैं, लेकिन हाथ से मैश करेंगे तो ये इतना बारीक नहीं होगा जितना कद्दूकस करने पे होगा, इसलिए इसको कद्दूकस ही करिएगा। और मैंने यहाँ पे 150 ग्राम पनीर लिया है, इसको भी साथ में कद्दूकस कर लूँगी। तो दोनों चीज़ मैंने कद्दूकस कर लिया है। अब मैंने इसमें डाला है 1 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 2 चम्मच इसमें धनिया पाउडर डालूंगी। उसके बाद इसको फिर मिक्स करूंगी। तो ये देखिए मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब इसमें ऐड करना है लास्ट इंग्रेडिएंट जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये है कॉर्नफ्लावर। 4 चम्मच कॉर्नफ्लावर इसमें डालेंगे ताकि जब हम इसको फ्राई करें तो ये टूटे ना, फटे ना, इसलिए हमें कॉर्नफ्लावर ऐड करना ज़रूरी है। तो कॉर्नफ्लावर भी ऐड करके मैंने अच्छी तरीके से गूंद लिया है। अब इसको हमें आकार देना है। तो यहाँ पे लड्डू की तरह इसको मैं बना रही हूँ, आप चाहें जैसे वैसे बना सकते हैं। तो इसी तरीके से हमें सारे लड्डुओं को तैयार कर लेना है, मतलब कोफ्तों को। तो ये तैयार हो गया है, अब इसको फ्राई करने की बारी है। फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे तेल गरम कर लिया है, ये सरसों का तेल है। मीडियम फ्लेम पे हम कोफ्तों को फ्राई करेंगे। और ये रेसिपी बहुत ही जल्दी बन जाती है, तो इसको आप एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। नॉर्मल सब्ज़ी से तो बहुत ही ज़्यादा जल्दी बन जाती है, क्योंकि इसमें कोफ्ते को बनाने में जो टाइम लगता है, वरना ये फटाफट आप बना के खा सकते हैं। और इसका टेस्ट भी बिल्कुल डिफरेंट और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तो देखिए कोफ्तों को मैंने पलट पलट के अच्छे से ऑलमोस्ट फ्राई कर लिया है। अगर बड़े चम्मच से आपको पलटने में प्रॉब्लम हो तो छोटे स्पून से आप स्टार्टिंग में पलट सकते हैं, अगर आपको लगे कि टूट सकता है तो। तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट ये गोल्डन हो चुका है। इसी तरीके से सारे कोफ्तों को हमें फ्राई कर लेना है। कोफ्तों को मैंने फ्राई कर लिया है, अब इसको साइड में रखेंगे। और सबसे पहले इसी तेल में हम तड़का लगाएंगे। तो यहाँ मैंने तकरीबन 1 चुटकी मेथी लिया था, उसको मैंने डाल दिया है। अब जब ये हो जाएगा तब इसमें हम मसाला डालेंगे। तो ये हो चुका है, अब इसमें हम मसाला डालेंगे। तो मसाला भी मैंने डाल दिया है। मसालों में मैं डालूँगी स्वाद अनुसार नमक और 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, ये इसलिए मैंने डाला ताकि इससे कलर अच्छा है सालन का, और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। अब इसको मिक्स कर देंगे और हमें इसे लो फ्लेम पे अब भूनना है, तब तक जब तक इसमें तेल ऊपर नहीं आ जाएगा। तो अब इसको हम ढक देंगे। तो कुछ देर मैंने इसको भूना है, ये देखिए बिल्कुल परफेक्टली भून चुका है, तेल ऊपर आ गया है, कलर भी इसका काफ़ी अच्छा आ गया है। अब इसको एक बार फिर से अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें पानी डालेंगे। अब मिक्स करने के बाद तो देखिए इतना बड़ा ग्लास मैंने लिया है, इससे मैं 1.5 ग्लास पानी डालूंगी। ग्रेवी आप अपने हिसाब से पतला और गाढ़ा रख सकते हैं, लेकिन वैसे ही कोफ्ते के लिए आप पतला ही ग्रेवी रखिएगा, क्योंकि जब आप कोफ्ता डालेंगे तो ये पानी सूखेगा। तो अब पहले इसको हमें पकाना है अच्छी तरीके से, फिर हम इसमें कोफ्ता डालेंगे। तो सालन को भी मैंने पानी डाल के अच्छे तरीके से पका लिया है, देखिए तेल इसमें भी ऊपर आ गया है बिल्कुल परफेक्टली। अब हम इसमें कोफ्ता डाल देंगे। अब कोफ्ता मैंने डाल दिया है, फिर इसको पकाएंगे 1 से 2 मिनट लो फ्लेम पे।
एक से दो मिनट मैंने इसको फिर से पका लिया है। अब ये मेरी रेसिपी बन के तैयार है, मतलब कोफ्ते की रेसिपी बन के तैयार है। अब इसमें सबसे लास्ट इंग्रेडिएंट डालेंगे, वो है धनिया, जो हर सब्ज़ी की जान होती है, जिससे टेस्ट खाने का और बढ़ जाता है। तो ये मेरी वीडियो बन के तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जल्दी मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।